जय सियाराम। दिव्य ज्ञान परमार्थ से मैं मयंक त्रिपाठी, दिव्य ज्ञान परमार्थ में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, साल का आखिरी ग्रहण और दूसरा खंडग्रास चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 कार्तिक पूर्णिमा पर पड़ने जा रहा है। यह ग्रहण लोगों के मन में चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण होने के 15 दिन के भीतर ही यह दूसरा ग्रहण पड़ने जा रहा है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार एक पक्ष या 15 दिन के भीतर दो ग्रहण होना किसी बड़े अशुभ का संकेत है। इसी को देखते हुए लोगों के मन में आशंका है कि अब देश में व समाज में कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ कठिनाइयां आने वाली हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन की तरह ही ग्रहण का असर भी सभी राशियों पर देखने को मिलता है, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। ग्रहण के बाद आने वाले करीब एक महीने तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो आइए जानते हैं कि आने वाला समय ग्रहण के प्रभाव के चलते किन राशियों के जातकों को लाभ होगा और किन राशियों के लिए यह हानि का योग बना रहा है। साल का आखिरी ग्रहण चार राशियों मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ के लिए लाभकारी साबित होगा। इनके लिए यह अच्छा योग बनेगा। और वहीं दूसरी तरफ चार राशि मेष, वृष, कन्या और मकर के लिए यह हानि के योग लेकर आ रहा है। उन्हें हानि हो सकती है, कुछ उनके साथ अप्रिय हो सकता है। बाकी जो अन्य चार राशियां हैं उनके लिए यह मध्यम रहेगा। तो मित्रों, चार राशि मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ, इन चार राशि वालों का बल्ले बल्ले होने वाला है, इन्हें लाभ मिलने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय सियाराम।